हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। सुबह का समय है और एक नज़र हमारे इन पौधों पर देखिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप देखिए हमारे इन पौधों को और इनकी ग्रोथ को। वैसे तो गर्मियां बहुत पड़ रही हैं और इनके लिए बहुत एक्स्ट्रा केयर ही एक तरह से करनी पड़ रही है। देखिए पौधे जल भी रहे हैं, ये देखिए पत्ते, ये देखिए और ये देखिए। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अजवाइन पे है। और टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा अजवाइन का प्लांट्स है, ये फ्रेंड्स हर्बल प्लांट्स है। और ये अजवाइन का इसलिए बोलते हैं इसको, ये वैसे तो वो अजवाइन नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं। उससे तो जो पौधा उगाते हैं वो तो एकदम धनिया के पत्तियों की तरह होते हैं, उसमें धनिया की तरह ही बीज लगते हैं। लेकिन इसमें अजवाइन की ही महक आती है और जो गुण हैं इसके, इनके पत्तियों में, वो अजवाइन के ही गुण हैं। जैसे अजवाइन हमारे लिए पेट वेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसी तरह से ये भी, इसकी भी पत्तियां बहुत ही गुणकारी हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदेमंद इसकी पत्तियां, इसका रस होता है, कहते हैं पेट के दर्द वगैरह में इसको पीस करके और इसका रस दें, यदि बच्चों वगैरह को पिलाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पकौड़ी वगैरह में भी काट करके डाल दें तो अच्छी लगती हैं, इसमें चूँकि अजवाइन का ही बिल्कुल टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर इसको डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह लगाते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, इसको हैंगिंग प्लांट में भी आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है, एक तो इसका ग्रोइंग पीरियड इसमें गर्मी है, और दूसरी ये बहुत इजी टू ग्रो है, इसकी बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। देखिए इस समय कितना अच्छा चल रहा है, थोड़ा सर्दियों में ज़रूर डाउन पड़ जाता है। आपके आसपास कहीं भी लगा हो, या नर्सरी में भी मिल जाता है, बहुत सस्ता भी मिलता है, तो आसपास भी कहीं भी लगा हो तो बिल्कुल इसकी डंडी तोड़िए और लगा दीजिए, ये बिल्कुल लग जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसके पास से ही गुजरिए तो एकदम मतलब देखिए भी, जैसे ये है, इसको ऐसे छूइए और हाथ में इसके अजवाइन की महक आने लगती है। पास से भी निकलने पर इसमें से अजवाइन की महक बहुत अच्छी आती है, और अजवाइन की महक तो अच्छी होती ही है। ये देखिए, और इसको लगाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। बस हम इसको देखिए प्रोपोगेट करने का तरीका बताते हैं। एक यहाँ से हम इसको ऐसे एक डंडी इसकी तोड़ते हैं, ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से, इसकी मैं ही वीडियो बना रही हूँ तो ये देखिए, इसको बस इसको यूँ करके आप ऐसे एक छेद बनाइए और इसको यूँ लगा दीजिए और इसमें हम ऐसे पानी डाल देंगे, बस बस ये पकड़ लेंगे, इसकी जड़ें आ जाएंगे। इस समय इसका गर्मियों में ही अच्छी ग्रोथ करता है, ऐसे चाहे जितने इसके पौधे बना लीजिए, थोड़ी सी इसकी डंडी अंदर करके, तो ये बहुत इजी टू ग्रो है। और दूसरी इसकी पत्तियां जो हैं, पानी की बात करें तो इसकी पत्तियां बहुत मोटी मोटी सकुलेंट टाइप की होती है, तो इसको एक दो दिन पानी आप ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन मिट्टी थोड़ी इसकी मॉइस्ट रखें, चूँकि गर्मियाँ हैं तो पानी थोड़ा सा देते रहिए और अच्छे से। और बाकी जो मिट्टी तैयार की थी उसमें थोड़ी सी हमने अपनी कंपोस्ट खाद मिला रखी थी, और उस तरह लगा दीजिए। और बहुत इसकी कोई केयर नहीं करते हैं, और बीमारियां तो मेरे ख्याल से इसमें कोई लगती ही नहीं है, और लगे मुझे तो नहीं दिखा मैंने, तो मेरे पास तो ये काफ़ी दिनों से पौधा है। हाँ, ये है ठंडी में ज़रूर थोड़ा सा ये डाउन पड़ जाता है, लेकिन गर्मियाँ जैसे आती हैं वैसे इसकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। तो आपके फ्रेंड्स, आपने यदि नहीं लगा रखा हो तो कहीं आसपास लगा हो तो आप एक इसकी तोड़ के डंडी लगाइए, और नहीं तो नर्सरी से ले आइए, बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है और कोई केयर खास करनी नहीं है। और इस पर धूप सेमी शेड में रखिए, थोड़ी सी धूप भी इस पर पड़नी चाहिए, और पूरा फुल धूप में नहीं, लेकिन धूप थोड़ी इसको छनती हुई धूप या एक दो घंटे की धूप इसको मिल जाए तो बहुत इनफ है।
बस इतनी सी इसकी जानकारी है, हैंगिंग में लगाइए, वैसे लगाइए। हर्बल प्लांट्स है, कभी आपको घर में भी ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ इसके इसका रस वगैरह निकाल कर इसके पीस करके इसको यूज़ करें तो पेट दर्द वगैरह में भी इसको फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।